आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महोबा में प्राइम टीवी की खबर का असर दिखा। ट्रकों से वसूली के मामले में लिया गया एक्शन। महोबा सदर तहसील के तहसीलदार का हुआ तबादला। कलपहाड़ तहसील भेजे गए नायाब तहसीलदार पंकज गौतम। ट्रक यूनियन ने डीएम को ज्ञापन देकर की थी कार्रवाई की मांग। महोबा में प्राइम टीवी की खबर का दिखा असर। ट्रकों से वसूली के मामले में लिया गया था एक्शन। महोबा सदर तहसील के तहसीलदार का हुआ तबादला। कलपहाड़ तहसील भेजे गए नायाब तहसीलदार पंकज गौतम। ट्रक यूनियन ने डीएम को ज्ञापन देकर की थी कार्रवाई की मांग। महोबा में प्राइम टीवी की खबर का दिखा असर। बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रकों से वसूली के मामले में लिया गया एक्शन। महोबा सदर तहसील के तहसीलदार का हुआ तबादला। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, कितने दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान किया गया? खबर का असर देखने को मिल रहा है, कितनी जल्दी असर हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीते दो तीन दिन पहले नायब तहसीलदार पर जो ट्रक मालिक है उन्होंने अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद विवादित होने के बाद जो नायब तहसीलदार थे उन्होंने जो ट्रक मालिक है उनके खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी मुकदमा दर्ज करने के लिए, लेकिन इससे जो ट्रक यूनियन है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने चक्का जाम की चेतावनी दे दी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इनके मुकदमा वापस नहीं लिया गया और नायब तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं की गई तो ट्रक यूनियन चक्का जाम कर के लिए बाध्य होगा, क्योंकि इनका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो मुख्यमंत्री योगी का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वहां पूरा ये जो गाड़ियां चलती हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए माल ले जाती है पूरी गाड़ियां, तो वहां भी काम बाधित होगा। इस वजह से प्रशासन ने भी जिलाधिकारी ने जैसे ही हमने लगातार खबर दिखाई, प्राथमिकता से खबर दिखाई और डीएम ने खबर का संज्ञान लेते हुए और ट्रक यूनियन के ज्ञापन के आधार पर नायब तहसीलदार को फिलहाल हटा दिया गया है और डीएम द्वारा एडिशनल एसपी और एडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तत्काल में हमने खबर प्राथमिकता से दिखाई थी और ट्रक यूनियन की मांगों को लेकर और आक्रोश को देखते हुए जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार को फिलहाल महोबा सदर से हटाकर कुलपहाड़ तहसील में ट्रांसफर कर दिया है। जी दिलीप, इस बड़े एक्शन के बाद अब ट्रक संचालकों का क्या कहना है? ट्रक यूनियन है उनका साफ तौर पर कहना है कि नायब तहसीलदार द्वारा एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया था कि ट्रक मालिकों ने उनके ऊपर हमला किया, तो उनका ये कहना था कि अभी अगर ये मुकदमा वापस नहीं होगा तो वो चक्का जाम करेंगे और हड़ताल करेंगे, पूरा काम रोक देंगे, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन में हड़कंप मच गया। चूंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम तेजी से चल रहा है और ये पूरी जो गाड़ियां है ट्रक है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए ही माल लेकर जाते हैं, जिसको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपको बता दें कि पहले भी पूर्व जो फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार है उनके खिलाफ भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की गाड़ियों से अवैध वसूली मामले में मुकदमा लिखा गया था सबसे पहले, उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो गाड़ियां हैं उनको प्रशासन नाजायज परेशान करने से हालांकि काफी समय तक बचता रहा, लेकिन फिर से मामला आने से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। जी जी दिलीप, तबादले के बाद क्या ट्रक यूनियन खुश नजर आ रहा है? हाँ, ट्रक यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि जो जिलाधिकारी ने उनको आश्वासन दिया है कि नायब तहसीलदार को हटाने के साथ ही जो उनके खिलाफ नायब तहसीलदार ने फर्जी मुकदमा लिखाया था ट्रक मालिकों के खिलाफ, तो उसकी एडिशनल एसपी और एडीएम को जांच दे दी और डीएम का साफ तौर पर कहना था कि निष्पक्ष जांच कराकर जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और अगर मुकदमा फर्जी पाया जाएगा तो मुकदमा खत्म किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता दिलीप जुड़े थे महोबा से। उन्नाव में तेज रफ्तार बस पलटी, लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस, बड़ी खबर सामने आई है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। डबल डेकर बस में 40 से 50 यात्री थे मौजूद,
घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। नेशनल हाईवे पर बस पलटने से लगा जाम। गंगाघाट कोतवाली के कर्मी बिजला माऊ की घटना बताई जा रही। उन्नाव में तेज रफ्तार का दिखा कहर, बस पलटी। लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस, डबल डेकर बस में 40 से 50 यात्री थे मौजूद। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे पर बस पलटने से लगा लंबा जाम। गंगाघाट कोतवाली के कर्मी बिजला माऊ की घटना। अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दशरथपुर गांव पहुंचेंगे भूपेश बघेल। बीकापुर जलालपुर के पास दशरथपुर मैदान में करेंगे जनसभा। अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दशरथपुर गांव पहुंचेंगे भूपेश बघेल। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीकापुर जलालपुर के पास दशरथपुर मैदान में करेंगे जनसभा। अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दशरथपुर गांव पहुंचेंगे भूपेश बघेल। बीकापुर जलालपुर के पास दशरथपुर मैदान में करेंगे जनसभा। अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दशरथपुर गांव पहुंचेंगे भूपेश बघेल। बीकापुर जलालपुर के पास दशरथपुर मैदान में करेंगे जनसभा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके देखा जा रहा है 2022 चुनाव आते ही सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। उसी तौर पर कांग्रेस भी आज जो है अयोध्या में जनसभा कर रही है, और जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री सुभाष बघेल का दौरा भी रहेगा। ये जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पूरी प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त है, और वहीं पे इनका हेलीपैड भी बनाया गया है जिसके तहत सुरक्षा के भी इंतजाम वहाँ पे अच्छे किए गए हैं। जी, जिस तरह से भूपेश बघेल आ रहे हैं जनसभा भी करेंगे, तो कितने लोगों की भीड़ जुट सकती है इस जनसभा में? देखिए, जहां तक बात की जाए कांग्रेसियों की, तो कांग्रेसियों ने पूरे जिले में दमखम लगाया है और जगह जगह से गाड़ियां उन्होंने हर एक तहसील पे, हर एक ब्लॉकों पे गाड़ियां उपलब्ध कराई है, जो कि इनके वो जो कांग्रेसी हैं या कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, जो भी हैं, जनसभा में जाकर के ये सुभाष बघेल को उनके संबोधन को सुन सकें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से। कानपुर में फिर चली गोली, बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली चलने से नवाबगंज क्षेत्र का माहौल बिगड़ा। अधिवक्ता राजा राम वर्मा को के ऊपर चली गोली। इलाज के लिए अधिवक्ता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में फिर चली गोली, बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली चलने से नवाबगंज क्षेत्र का माहौल बिगड़ा। अधिवक्ता राजाराम वर्मा को अज्ञात युवक ने मारी गोली। इलाज के दौरान अधिवक्ता की हुई मौत। कानपुर में फिर चली गोली। गोली चलने से नवाबगंज क्षेत्र का माहौल बिगड़ा। अधिवक्ता राजाराम वर्मा को अज्ञात युवक ने मारी गोली। इलाज के दौरान अधिवक्ता की हुई मौत। कानपुर में फिर चली गोली। गोली चलने से नवाबगंज क्षेत्र का माहौल बिगड़ा। अधिवक्ता राजा राम वर्मा को अज्ञात युवक ने मारी गोली। इलाज के दौरान अधिवक्ता की हुई मौत। गोली चलने से नवाबगंज क्षेत्र का माहौल बिगड़ा। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिवक्ता राजा राम वर्मा को अज्ञात युवक ने मारी गोली। इलाज के दौरान अधिवक्ता की हुई मौत। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।